बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फायदा इलेक्ट्रिक DIY। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, ये 2 हॉर्स पावर की सिंगल फेस मोटर है। इसके मतलब है कि ये स्टार्टिंग, रनिंग, हर चीज़ इसकी ओके है, लेकिन ये स्टार्ट क्यों नहीं होती, इसमें क्या फॉल्ट है, इसी के मतलब हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी मोटर है तो इस तरह के फॉल्ट आते हैं, तो इसमें जो फॉल्ट है वो हम आपको दिखाएंगे और साथ में इसकी रिपेयरिंग भी करेंगे। तो दोस्तों, इसका जो शाफ्ट हिलाकर आप देख लें, इसका बेयरिंग साइज लूज है और इसको आप करवाते हैं रिपेयर और खरादिए के पास जाते हैं। ये मोटर हमने खोल ली है, ये आप देखिए इसका कैपेसिटर वाइंडिंग, इसकी रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों ओके हैं, क्लच प्लेट वगैरह। तो ये देखें इसका बैरिंग साइज जो अगली साइड। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो बैक साइड वाला बैरंग जो है वो साइज बिल्कुल ओके है, आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर हाथ से बैरंग उतर जाए तो इसका जो साइज लूज होता है। अब इसको खराद के पास जाते हैं। तो यहाँ पे ये साइज डाउन हुआ था, लूज हुआ था, इसको वेल्डिंग के साथ दोबारा उसी कंडीशन में ले आएंगे, फिर दोबारा खराद पे चढ़ाकर इसको जो भी साइज कर लेंगे। इस तरीके से वेल्डिंग करवाना है हमने, और वेल्डिंग की मदद से अगर इसका साइज थोड़ा सा लूज हो, ज़्यादा फ़र्क ना हो, शाफ्ट ज़्यादा घिसी ना हो, तो आप जो है संतर वगैरह लगाकर इसको दोबारा बैरंग चला सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा ही शाफ्ट लूज हो तो फिर आपको इसी तरह का जो है वो वेल्डिंग के साथ दोबारा इसको खराद पे सेट करवाना पड़ेगा। तो ये फॉल्ट बहुत ही जो है मुश्किल फॉल्ट है, क्योंकि इसमें मोटर जलने का भी ख़तरा है, उसके अलावा ये ज़ोर भी नहीं लगाएगी। अक्सर मोटर चल जाती है, लेकिन जब ज़्यादा ही डाउन हो तो ये एक जैसे मैं इसको ऑन करेंगे तो ये कोर और रूटर दोनों आपस में जो है वो जाम हो जाएंगे, यानी कि जब मैग्नेट चलेगा तो वो अपनी तरफ खींच लेगा, जिस साइड पे लूजिंग ज़्यादा होगी, तो वो एक जिस तरह कहते हैं कि चक की शक्ल में चक मार देगी वो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे ये देखें, ये वेल्डिंग का काम जो है मुकम्मल हो चुका है। अब इसको जो है हम खराद मशीन पे चढ़ा देंगे। यहाँ पे जो हमारे कुछ कारीगर काम कर रहे हैं, यहाँ आजकल जो सीज़न है हमारा, इसी तरह की मोटरें हैं, ये टोका मोटर इसको बोलते हैं, ये टोके पर ज़्यादा चलती हैं। तो आजकल जो मोटरें ज़्यादा जलने का मसला बनता है, या तो क्लच प्लेट होती है, या तो इस तरह के साइज लूज़ होने की वजह से ज़्यादा जल जाती हैं। तो ये मोटर एक हमारे पास पड़ी है, इसका साइज़ बिल्कुल ओके है। तो ये हमारे पास एक और मोटर है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसका भी बिल्कुल सेम यही मसला है जो पिछली मोटर हमने आपको दिखाई है वीडियो में। तो ये भी वही काम कर रही है जो स्टार्टिंग में हमने आपको दिखाई थी, ये बिल्कुल वही सेम, उसी तरह का मसला है, उसी तरह का फॉल्ट है इसमें भी। तो यहाँ पे आप इस तरीके से हिलाकर इसको देख सकते हैं कि इसमें साइज का मसला है या और कोई प्रॉब्लम है। यहाँ से आपको ये बिल्कुल अगली साइड से जब हिलाएंगे तो आपको लूजिंग लाजमी नज़र आएगी, इसमें प्ले नज़र आएगी। जब इसमें प्ले पड़ जाती है तो ये ज़ोर वगैरह नहीं लगाती,
तो हमारा मकसद होता है कि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर जो छोटे छोटे फॉल्ट जो है ताकि आप बासानी इसको ठीक करवा सकें। तो यहाँ पे हमने इसको खराद पे उतनी देर के लिए इसको वेल्डिंग करके ठंडा होने दिया था। अब खराद के पास खराद पे चढ़ाकर इसको टूल वगैरह लगा लेंगे और इसका साइज जो है वो फिट करवा लेंगे। तो साइज आपने इस तरह का करवाना है कि ना ज़्यादा लूज़ हो ना ज़्यादा टाइट हो। अगर टाइट होगा तो बैरिंग को प्रॉब्लम करेगा, बस दफ़ा बिल्कुल खरादी कोई इतनी तवज्जो नहीं देते। तो शायद आप ख़ुद खरादी के पास खड़े होकर करवाएं ताकि ज़्यादा टाइट ना करें। टाइट करेंगे तो वो बैरंग की गोली जो फंस जाएगी और ज़्यादा इसमें जो है वो अपनी रवानगी से बैरंग नहीं चलेगा जिस तरीके से चलता है। इस तरीके से ये टूल लग रहा है इसको। तो जब ये साइज हो जाए इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है और दोबारा इसको फिट कर देना है। मोटर आपकी बिल्कुल ओके हो जाएगी। तो हम बात कर रहे थे कि आप जब हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सबक मिलेगा, कुछ ना कुछ आपके जो जहन में फॉल्ट नहीं होती कि इसको क्या मसला है तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको पता चल जाएगा। लेकिन वीडियो हमारी लाजमी एंड तक देखा करें ताकि हम जो काम करते हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझाएं। अगर आपको कहीं भी से कोई समझ नहीं लगती तो हम जो अपना नंबर देते हैं नीचे व्हाट्सएप का, तो हम से आप रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल हम कोई जो आपको किसी किस्म का ये नहीं कहेंगे यार हमारे पास टाइम नहीं, लेकिन इंशाल्लाह हम आप अपने कीमती वक्त से आपके लिए टाइम ज़रूर निकालेंगे।